परमात्मा हर जगह मौजूद है। एक प्रसिद्ध साध्वी हुई है। जवानी में वह बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें करती थी। इस नए घर में पहली रात को उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने तुरंत बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है, वह बोली। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। यह सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद न रही। वह भी उस औरत के साथ धरती पर ही बैठ गया। फिर वह उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है, तो आप बुरा नहीं मानोगे। आप यह भी भली भांति समझ लें कि जो पाप करने का आपके मन में चाह है, वह आपको नर्क की आग में धकेल देगा। अब आप स्वयं ही फैसला कर लें कि आप यह पाप करके नर्क की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। यह सुनकर नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने संभल कर कहा, पवित्र औरत, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी जो अभी तक पाप के भयंकर नतीजे की तरफ से बंद थी। मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज नए आदमी उस औरत के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की जिंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है, और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता। जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़कियों के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। यह राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी पत्नी को ऐसी जगह छुपाकर बिठा दिया जहां से वह उस औरत के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वह यह जानना चाहता था कि जब कोई आदमी उस औरत के पास भेजा जाता है तो वह उसके साथ कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, औरत उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ न आया कि क्या करे क्या कहे। आखिर वह कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ पंडित और मौलवी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। वह कहती चली गई, यहाँ पाप से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि परमात्मा सब पाप देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके पापों की सजा जरूर देता है। जो लोग यहाँ आकर पाप करते हैं उसकी सजा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, परमात्मा से मुलाकात करने के लिए, न कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी उस औरत की बातों में छुपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितने घोर पाप करता रहा है और आज फिर करने जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और औरत के पाप पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। औरत के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, है पवित्र लड़की, तुम तो वास्तव में साधु हो। हमने कितना बड़ा पाप तुम पर लादना चाहा। इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। ईश्वर के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हों, जिस हालात में हो, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यह औरत कोई और नहीं, महान साधु राबिया बसरी थी। इसलिए हमें हमेशा माया के लोभ से बचना चाहिए और ज्यादा ना सही
पर कुछ समय भगवान की आराधना में जरूर लगाना चाहिए। धन्यवाद प्यारे राधे कृष्णा।